बार फिर स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के मार्केट में और आज हम जानेंगे यहां के लोगों से कि उनका थर्ड वेव के ऊपर क्या कहना है। हेलो मैम, आपका नाम? मैम, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अगस्त मिड अगस्त तक थर्ड वेव आ जाएगी तो उसके ऊपर आपकी क्या सच्चाई है? मतलब कि जैसे कि बोल रहे हैं कि केरला के अंदर आ चुकी है थर्ड वेव, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस राइज हो रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि एक पॉलिटिक्स है कि जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे इस चीज़ को कम किया जा रहा है और जहाँ पे नहीं हो रही इलेक्शन वहाँ पे उस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। ओके, और मैम डेल्टा वेरिएंट भी आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट का बोला है कि डेल्टा वेरिएंट नया आ चुका है, उस पर कि आपको बिलीव है कि नया कोई वायरस आया है? सर, अब जैसे कि बोला जा रहा है कि अगस्त के बीच तक हमें थर्ड वेव आने वाली है, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जैसे बोल रहे हैं केरला में शुरू भी होगा, तो इस पर आपका क्या कहना है कि इसमें कितनी सच्चाई है? ये इसमें सच्चाई ही सच्चाई है, क्योंकि एक्चुअली पब्लिक इतनी लापरवाह हो चुकी है। ठीक है, कोई मास्क नहीं है, जब तक मैंने भी लगाया मैंने कुछ इस्तेमाल करो, कोई अपने चंडीगढ़ में देख लिया 100 अगर 100 में से 90% 94% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क उतार दिया, तो इसके दौरान तो नचरी है, भीड़ भड़का भी है, चार चार पाँच पाँच जने इकट्ठे भी हो रहे हैं, किटी पार्टी भी हो रही है, होटल रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, भीड़ भड़का भी है, उसके अकॉर्डिंग तो 100% आने की उम्मीद है। सर, आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ में थर्ड वेव का कितना असर होगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि चंडीगढ़ फर्स्ट या सेकंड वेव के अंदर चंडीगढ़ को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना दूसरी सिटीज को, जैसे कि दिल्ली मान लिया, बाकी यूनियन टेरिटरीज को हुआ था, तो इस बार आपको क्या लगता है कि थर्ड वेव में भी वही चीज़ रहेगी कि चंडीगढ़ को कम इम्पैक्ट होगा या जैसे कि आप लोगों को देखते हैं आज का? चंडीगढ़ में भी इतना ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हालात हैं लोगों के, लोग मान नहीं रहे हैं, पब्लिक स्थिति भी हुई है, पुलिस वालों ने भी समझाया है, चलान भी हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं हट रहे हैं, तो नचली जो थर्ड वे आएगी वो हैवी होगी, ऑटोमेटिक हैवी होगी। और सर, जैसे केरला में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे तो लॉकडाउन खुला भी नहीं है, पर चंडीगढ़ में खुला है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी कि लोग केरला को देख के भी नहीं समझ रहे कि थर्ड वेव आ सकती है, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ सकता है, और ऐसा बोला जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा फैलेगा भी, थोड़ा पब्लिक की जो सोच है ना वो ये हो चुकी है कि इतनी जो महंगाई है, ठीक है, सब्जी महंगी होगी, सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, इससे मरने से अच्छा तो बंदा वैसे ही मर जाए, क्योंकि बंदा आप मास्क ना लगाओ, काम पे ना जाओ, अंदर बैठे रहो तो बच्चों क्या खाऊँ, इसमें सिर्फ मीडियम बंदा ही खुश रहा, क्योंकि इतनी महंगाई के अंदर है, जो बेचारा रोजगार करता है, साइकिल साइकिल लगाता है, रिक्शा चलाता है, तो क्या खाएगा तो क्या कमाएगा। आप ये देखिए 70 किलो प्याज है, 80 किलो बैंगन है, इस हिसाब से तो महंगाई क्या करेगी। आप जिसमें मेहनत करनी है, बच्चे पालने हैं, वो अपने मार्क्स देखता है, मार्क्स देखेगा या कोरोना देखेगा या बच्चे देखेगा, उसके अकॉर्डिंग देखिए ना, या तो उनके भी सोचने लगी है, या तो जैसे कि बाहरले देशों में है, सबके अकाउंट है, सबके अकाउंटों में राशन आ रहा है, या अपना मनी दे रही है गवर्नमेंट, हर के अकाउंट में पानी चाहिए ना, तभी तो है ना, अपना काम तो करेगा ही नहीं, गरीब बंदा क्या करेगा। अब हमारे ऊपर क्या झाड़ी वाला बंदा नहीं आएंगे शादी के तहत, ठीक है, घर बैठे शादी के तहत हम कहाँ से खाएंगे, किसकी भी देनी है, सब कुछ कर रहे हैं। अब 3 महीने हमारे यहाँ लोडो लगा रहा, ठीक है, सील कर दिया था हमारे यहाँ 3 महीने का, मेरा 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा, मोदी साहब ने तो कह दिया किसी का वो नहीं देना, कोई लोग माफ है कुछ माफ नहीं है, 25,000 रुपये मेरा जुर्माना पड़ा और 3 महीने चाहिए होंगे, वो उनको भुगतान कहाँ से होगा। आप ये देखिए ना, इस तरह लोगों का डर हट चुका है, ठीक है, वो कहते हैं मरना जाते ही है, मरना जाते ही है, इस तरह मेहनत करके बोल लो, बच्चे पाल के बोल। सर, आपका नाम? पुरुषोत्तम महाजन। सर, अब जैसे कि बोल रही है सरकार कि लोगों को थोड़ी एहतियात ज़्यादा बरतनी चाहिए क्योंकि केरला में थर्ड वेव आ गई है और अगस्त के बीच तक पूरे देश में आ सकती है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये कहना है कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, इनको ध्यान करना चाहिए, और यहाँ तक लापरवाही क्या है कि जो लेबर जो या और लोग जो हैं काम के लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल लगाते नहीं, कोई अपना कोई चीज़ नहीं लगाते, इन सबको
ये चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, जगह जगह जाकर सबको जो अपने डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट के हैं, ऑफिस हैं, सबको उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो इसके लिए तैयार रहें। तो वक्त आ गया है, अब आज की रिपोर्ट जो है 7% बढ़ चुकी है। अब 7% बढ़ने से इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि आगे आने वाले दिनों में जब इसका अभाव आएगा, बरसात खत्म होगी, एकदम तेजी आएगी, बढ़ेंगे केस। ठीक है, चंडीगढ़ में 0 आज, कल कोई नहीं है। चंडीगढ़ के अफसरान को, चंडीगढ़ के शहर के लोगों को इसके लिए बधाई। और इसके साथ साथ चंडीगढ़ के अंदर जो मंडियां लगती हैं या सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पर एहतियात करने की बहुत जरूरत है। मार्केटों के अंदर हमने तो बार बोर्ड लगा दी है, नो एंट्री, कोई अगर मास्क वगैरह आएगा तो कोई एंट्री नहीं है। मार्केटों के अंदर इसी का नतीजा है, कुमार मंडी की तरफ से भी और सब संस्थाओं की तरफ से जॉगरों के, और इसकी वजह के शहर के अंदर 0 आज आया। मगर ये 0 टूट सकता है अगर हमने ध्यान नहीं किया, जो मंडियाँ लगनी शुरू हो गई और दूसरे अपने दूसरी मंडियों में और जगहों पर भी लेबर जॉब्स हैं, इसको ध्यान देना होगा, उनको एजुकेट करना होगा। और यहाँ तक डिपार्टमेंटल पुलिस और दूसरे लोगों को भी व्यवहारिक जीवन के अंदर अपने आप को उतारना होगा। कौन समझेगा ऑफिसर है, कौन समझेगा पुलिस का ऑफिसर है? अरे भाई वॉक लगाओ, उनको एजुकेट करें, कहें बाद उनको कहते आपका पर्ची काट दोगे तो मेरे पास पैसे नहीं है, ले जेल में क्या फायदा उसका। उसको एजुकेट करें भाई, मास्क पहले बाहर वक्त अपने पास 4-5 मास्क पास जब किसी के पास नहीं होता ये ले। ये दिशा होनी चाहिए, हम समाज सेवक बने। मेरे सारी चंडीगढ़ के जनता को ये अपील है कि चंडीगढ़ के सारे लोग जागरूक रहते हुए इस चीज़ का पालन करें और लोगों अब जहाँ जहाँ बैठे हो लोगों को एजुकेट करें, अपने घर में बैठे हो तो एजुकेट करें, मोहल्ले में बैठे हो वहाँ एजुकेट करें, मंदिर में जाते हो वहाँ एजुकेट करें, सोसाइटी के अंदर हर काम करते हो ताकि इस महामारी से सारे देश को बचाया जा सके और हम सरकार के सहयोगी बने। थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।